वैसे तो ईसाई धर्म गुरुओं पर विदेशों से फंड हासिल करके धार्मिक संस्थाओं को संचालित किए जाने के आरोप लगते रहते हैं, जिसे कई नजरिए से देखा जाता है और कई मौकों पर इसे लेकर गर्मा गर्म बहस भी होती दिखी है। कई मर्तबा तो इन मामलों को लेकर सियासी नुमाइंदे राजनीति करते भी दिखे हैं। खैर, अब इसी बीच एक ताजा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है, जहां छापेमारी के दौरान एक ईसाई धर्म गुरु के घर नोटों का अंबार मिला है, जिसे देखने के बाद अधिकारियों के भी होश उड़ गए। ईसाई धर्म गुरु के घर से नोटों के उमड़ते सैलाब का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि जब अधिकारी नोटों को गिनते गिनते थक गए तो मशीनें मंगवानी पड़ी। नोटों को गिनने के बाद ईसाई धर्म गुरु के घर से 1 करोड़ से ज्यादा कैश प्राप्त होने के साथ साथ विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की भी जानकारी सामने आई है। दरअसल ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि पीसी सिंह ने पद का दुरुपयोग करके बड़ी गड़बड़ियां की हैं। डीएसपी मंजीत सिंह की अगुवाई में ईओडब्ल्यू की टीम आज सुबह विश्व पीसी सिंह के घर पहुंची। ईओडब्ल्यू को मिली शिकायत में लिखा गया था, पीसी सिंह ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 2,70,00,000 रुपए का हेर फेर और गबन किया है। बहरहाल, जांच एजेंसी आरोपी धर्म गुरु के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर चुकी है। उधर अब आने वाले दिनों में आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इसका सभी को इंतजार है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईसाई धर्म गुरु के घर पर ये नोटों का अंबार आया कहां से, आखिर इसे प्राप्त करने का स्रोत क्या था, और इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर घर से भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा आई कहां से। खैर, इन सबके जवाब जांच के बाद मिलेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए ये भी बता दें, पीसी सिंह के खिलाफ दिल्ली में 3, यूपी में 42, राजस्थान में 24, झारखंड में 3, मध्य प्रदेश में 4, छत्तीसगढ़ में 3, महाराष्ट्र में 11, पंजाब में 6, पश्चिम बंगाल में 1, हरियाणा में 1 मामले सहित कुल 99 केस दर्ज हैं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।